तो देशभक्त का एक बहुत बड़ा कवि जिसने पूरे हिंदुस्तान में, और मैंने पहले परिचय बताया था कि अभी मध्य प्रदेश में इस शख्स को बहुत सुना गया, सराहा गया, बहुत समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करके आया है, रायबरेली की धरती से आए हैं। मैं इसलिए भी बार बार उनका स्वागत सम्मान करना चाहता हूं कि बहुत ही विषम परिस्थिति में समय से पूर्व आ गए, हमारा और गुरु जी का सम्मान रखा। मैं चार पंक्तियों से उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वतन पर जो मिटे उनके अमर बलिदान की जय हो, डटे हैं सरहदों पर शान से उस शान की जय हो, न हिंदू की न मुस्लिम की न ईसाई नहीं सिख की, बस हिंदुस्तान 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 की जय हो। आखिरी चार पंक्ति से बुलाता हूं, कभी कभी दर्द होता है कि लड़ने लगे हैं लोग इबादत के नाम पर, कि लड़ने लगे हैं लोग इबादत के नाम पर, ये खेल हो रहा है सियासत के नाम पर, वे जानते के फर्ज निभाते हैं और हम करते हैं राजनीति शहादत के नाम पर। यही एक दर्द है, सारे दर्द को समेटते हुए हमारे पुलिस के भाई यहां हैं जो रात दिन जागकर हमारी हिफाजत करते हैं। वैसे कभी लोग ये भी कहते हैं कि जो किसी की नहीं सुनती वो कविता सुन रही है पुलिस, उनका भी बार बार स्वागत है, हमारे बड़े आदरणीय होते हैं, बहुत सम्मान इसलिए होता है कि अगर ये ना हो तो न रात को हम सो सकते हैं न दिन में चैन पा सकते हैं। मैं स्वागत सत्कार करता हूँ इस पवित्र भूमि में, सीधे शिवतोष संतोषी जी को आमंत्रित करता हूँ, आए और वीर रस की अपनी कविता से पूरे पांडाल को झंकृत अलंकृत, और जो भी हमारे वीर रस के कवि करते हैं कहते हैं, मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं। तालियां जितनी जोरदार बजेंगी उतना ही हमारा वीर रस का कवि भुजाएं फड़काएगा। और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है, मैं बता चुका हूं आपको सुनाएंगे, नई रचना है लेकिन बहुत श्रेष्ठ रचना है, और यूट्यूब जो चैनल में आएगा, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कवियों की ओर से। पिछले आपने जो शॉर्ट्स डाले थे हम लोगों के, बहुत दूर तक लोगों ने सुना सराहा, उससे हम कवियों का थोड़ा सा मार्ग भी बढ़ा, रेट भी बढ़ा, और कवि सम्मेलन बहुत मिले। बहुत बहुत साधुवाद चैनल को। मैं आमंत्रित करता हूँ शिवतोष संघर्षी जी। माँ को नमन करता हूँ, पूज्य श्री गुरु चरणों के को प्रणाम करता हूँ, और बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ आप सभी लोगों को। अभी बंधु जी कह रहे थे कि मैं बहुत व्यस्ततम कार्यक्रम से आया, मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि गुरुजी मुझे जब भी बुलाएंगे मैं उनके आदेश का पालन करूँगा। और आज मैं एक चीज़ की यहाँ घोषणा करता हूँ कि मुझे मेरा कहीं भी कार्यक्रम हो मैं यहाँ पर आऊँगा और बिना पेमेंट आऊँगा। क्या बात गुरुजी के, चलो यहाँ ये ऐसा स्थान है, यहाँ पर यहाँ से कुछ लिया नहीं जा सकता है, यहाँ पर अगर कुछ लेना है तो संस्कार लेना है, संस्कृत लेना है, सभ्यता लेना है। चूँकि वास्तव में तो कवियों को कुछ किसी तरह, जैसे भी चर्चा चल रही थी, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, तो जहाँ तक मेरा मानना है कि कवियों की जो काव्य क्षमता होती है, जो हमें विचार देते हैं, जो ज्ञान देते हैं अपने कविताओं के माध्यम से, उसका कोई शुल्क देने की सामर्थ्य कोई रखता भी नहीं है। और जिस दिन हम किसी के ज्ञान के शुल्क के रूप में आंकलन करने लग जाएंगे तो वह ज्ञान का ही अपमान होगा। ये एक भेंट स्वरूप होती है कि हमारे एक भेंट स्वरूप है, हमारी जो मर्यादाएं परंपराएं हैं कि हम हमारे अतिथि के रूप में आते हैं, कुछ ज्ञान प्रदान करते हैं, हम उन्हें कुछ भेंट जरूर देते हैं। मैं सीधे सीधे कविता से जुड़ता हूं, लेकिन चार पंक्तियां सुतोष जी गुरु जी बिना दिए जाने भी नहीं देते हैं, ये भी तो समस्या है ना। मैं सीधे सीधे कविता से जुड़ता हूँ, चार पंक्तियां उसके लिए पढ़ता हूँ जिसने मुझको जन्म दिया। यहाँ पर मेरी मात्र शक्तियां बैठी हैं, सबको प्रणाम करता हूं और चार पंक्तियां सीधे सीधे अपनी माँ के लिए पढ़ता हूं कि करता हूं मैं उसकी पूजा जिसकी कहीं कोई मूरत नहीं है। क्या बात। करता हूं मैं उसकी पूजा जिसकी कहीं कोई मूरत नहीं है, उसी निश्चल उसी मासूम, उसी निश्चल उसी मासूम दुनिया की कोई सूरत नहीं है। करता हूं मैं उसकी पूजा जिसकी कहीं कोई मूरत नहीं है, उसी निश्चल उसी मासूम दुनिया की कोई सूरत नहीं है। और नहीं 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 जाता मैं किसी मंदिर मस्जिद चर्च या गुरुद्वारा, नहीं नहीं जाता मैं किसी मंदिर मस्जिद चर्च या गुरुद्वारा, जब मेरी माँ घर पर है तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वाह वाह वाह।
जब मेरी माँ घर पर है तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कि संस्कारों से घर को सजाती रही, संस्कारों से घर को सजाती रही, गम को सहकर सदा मुस्कुराती रही। संस्कारों से घर को सजाती रही, गम को सहकर सदा मुस्कुराती रही। और जब भी आई कोई भी मुसीबत मुझे, माँ अपने आंचल से मुझको छिपाती रही। माँ अपने आंचल से मुझको छिपाती रही। बेशक बेशक बेशक। और दोस्तों, मैं चंद पंक्तियों में बताना चाहता हूँ इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन है। जी जी, चंद पंक्तियां प्रेषित करता हूं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा किसको कहा जाता है। स्वागत है। कि अपने दर्द गैरों की खुशी में पाट देता है। अपने अपने दर्द गैरों की खुशी में पाट देता है। दीवारे नफरतों की प्रेम से वो काट देता है। अपने अपने दर्द गैरों की खुशी में पाट देता है। दीवारे नफरतों की प्रेम से वो काट देता है। वही इंसान दुनिया में सबसे है बड़ा साहब। वही इंसान दुनिया में सबसे है बड़ा साहब। मांग कर मुफलिसों में जो रोटी बांट देता है। वाह वाह वाह। मांग कर, बहुत अच्छा है, बहुत। मांग कर मुफलिसों में जो रोटी बांट देता है। दोस्तों, ओज के लिए जाना जाता हूं। अपने काव्य पाठ की शुरुआत करता हूं, अपनी मूल विधा में आता हूं और आप सबका आशीष चाहता हूं। यदि मेरी पंक्ति कोई भी पंक्ति आपके दिल तक पहुंचे तो आप सबका आशीष चाहता हूं। बेशक बेशक। अभी कुछ दिन पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने धारा 370 हटाई। मैं वहीं से चंद पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं। कि साजिश सारी नाकाम हुई आतंकवाद के दफ्तर की। साजिश सारी नाकाम हुई आतंकवाद के दफ्तर की। ऐसा लगता याद दिला दी 65 और 71 की। साजिश सारी नाकाम हुई आतंकवाद के दफ्तर की। ऐसा लगता याद दिला दी 65 और 71 की। कोई कुछ ना समझ सका, कोई कुछ ना समझ सका आखिर क्या होने वाला। कोई कुछ ना समझ सका आखिर क्या होने वाला। मोदी जी ने वाट लगा दी धारा 370 की। मोदी जी ने वाट लगा दी धारा 370 की। और चार पंक्तियों में उस नापाक पाकिस्तान को एक संदेश देना चाहता हूं। कि किशमिश जैसा मिला के तुमको खा जाएंगे खीर में। किशमिश जैसा मिला के तुमको खा जाएंगे खीर में। जितनी धार लगा सकते हो लगा लो तुम शमशीर में। किशमिश जैसा मिला के तुमको खा जाएंगे खीर में। जितनी धार लगा सकते हो लगा लो तुम शमशीर में। 56 इंची सीने ने इतिहास बदल कर दिखा दिया। 56 इंची सीने ने इतिहास बदल कर दिखा दिया। अमर तिरंगा लहराएगा लाल चौक कश्मीर में। अमर तिरंगा लहराएगा लाल चौक कश्मीर में। और दोस्तों, जब एक फौजी सरहद पर जाता है तो अपने परिवार से क्या कहता है। जब एक फौजी सरहद पर जाता है अपने परिवार से क्या कहता है। अगर आप लोगों को लग जाए कि जब एक फौजी अब सरहद पर जाता है तो अपने परिवार से यही कहता होगा, तो सबका आशीष चाहता हूं, पूरे सदन की तालियां चाहता हूं। क्या कहता है फौजी जब सरहद पर जाता है। कि जा रहा हूं सीमा पर भारतीय की रक्षा हेतु। जा रहा हूं सीमा पर भारतीय की रक्षा हेतु। दुश्मनों के बंकरों को तोड़कर आऊंगा। जा रहा हूं सीमा पर भारतीय की रक्षा है तो दुश्मनों के बंकरों को तोड़कर आऊंगा। उठ गई आंख कर भारतीय के भाल पर शत्रुओं के चक्षुओं को फोड़कर आऊंगा। उठ गई आंख कर भारतीय के भाल पर शत्रुओं के चक्षुओं को फोड़कर आऊंगा। और बन के पहाड़ सम टूटूंगा मैं दुश्मनों पे। बन के पहाड़ सम टूटूंगा मैं दुश्मनों पे। भारतीय के संगनाता जोड़ कर आऊंगा। और गाड़ दूंगा वैरियों के वक्ष पर राष्ट्र ध्वज। गाड़ दूंगा वैरियों के वक्ष पर राष्ट्र ध्वज। या तो मैं तिरंगा घर ओढ़ कर आऊंगा। गाड़ दूंगा वैरियों के वक्ष पर राष्ट्र ध्वज। या तो मैं तिरंगा घर ओढ़ कर आऊंगा। जय हो, जय हो। एक क्षण और निवेदित करता हूँ। स्वागत है शुतोष। कि एक दिन लेखनी जो गीत लिखने लगी तो वीर रण धीरो की कहानी याद आ गई। एक दिन लेखनी जो गीत लिखने लगी तो वीर रण धीरो की कहानी याद आ गई। देश की सुरक्षा हेतु प्राण जिसने दिए हैं। देश की सुरक्षा हेतु प्राण जिसने दिए हैं। अमर शहीदों की जवानी याद आ गई। और चीड़ फाड़ मार काट करते हैं सीमा पर। चीड़ फाड़ मार काट करते हैं सीमा पर। क्रोध देख उनका भवानी याद
समझ आ गई। और वीरता दिखाई ऐसे शत्रुदल कांप उठा, वीरता दिखाई ऐसे शत्रुदल कांप उठा, क्रोध देख बैरियों को नानी याद आ गई। क्रोध देख बैरियों को नानी याद आ गई। और एक छंद निवेदित करता हूं कि सबके दिलों में यदि हिंद ही बसा हुआ है, सबके दिलों में यदि हिंद ही बसा हुआ है तो देश प्रेम वाला भाव जागना जरूरी है। सबके दिलों में यदि हिंद ही बसा हुआ है तो देश प्रेम वाला भाव जागना जरूरी है। खंड खंड करते जो देश की अखंडता को, खंड खंड करते जो देश की अखंडता को, ऐसे देश द्रोहियों को फांसी टांगना जरूरी है। खंड खंड करते जो देश की अखंडता को, ऐसे द्रोहियों को फांसी टांगना जरूरी है। और सैनिक के शौर्य का सबूत मांगते हैं जो, सैनिकों के शौर्य का सबूत मांगते हैं जो भी, संसद से उनका तो भागना जरूरी है। और जिनके दिलों में पनप रहा देश द्रोह, जिनके दिलों में पनप रहा देश द्रोह, एक बार सीधे गोली दागना जरूरी है। एक बार सीधे गोली दागना जरूरी है। और एक छंद और निवेदित करता हूं जी भैया, स्वागत कि भारतीय की अस्मिता पे वार करने चले जो, भारतीय की अस्मिता पे वार करने चले जो, कदमों में डाल बेड़ी उनको संभालिए। भारतीय की अस्मिता पे वार करने चले जो, कदमों में डाल बेड़ी उनको संभालिए। नफरती रंग में रंगे हुए सियार है जो, नफरती रंग में रंगे हुए सियार है जो, उनको तो प्रेम वाली घास नहीं डालिए। नफरती रंग में रंगे हुए सियार है जो, उनको तो प्रेम वाली घास नहीं डालिए। और जिनके जहन में जहर ही भरा हुआ है, जिनके जहन में जहर ही भरा हुआ है, ऐसे विषधारियों को कभी नहीं पालिए। और गान वंदे मातरम जिनको स्वीकार नहीं, गान वंदे मातरम जिनको स्वीकार नहीं, ऐसे देशद्रोहियों को देश से निकालिए। वाह वाह वाह, ऐसे देशद्रोहियों को देश से निकालिए। क्या बात। और अंतिम छंद, दो छंद देता हूं जी, स्वागत भैया। कि सिंघनी के गेसुओं में सोने लगे शेर यदि, सिंघनी के गेसुओं में सोने लगे शेर यदि, गीदड़ों का जंगलों में राज कौन रोकेगा। सिंघनी के गेसुओं में सोने लगे शेर यदि, सिंघनी के गेसुओं में सोने लगे शेर यदि, गीदड़ों का जंगलों में राज कौन रोकेगा। और देश के हिया का यदि मौन व्रत धार लेंगे, नफरत की उठी आवाज कौन रोकेगा। देश के हिया का यदि मौन व्रत धार लेंगे, नफरत की उठी आवाज कौन रोकेगा। और चल रहे खड़यंत्र भारत को बांटने के, चल रहे खड़यंत्र भारत को बांटने के, पर रही फूट के रिवाज कौन रोकेगा। आप और हम यदि एक न हुए तो फिर गिरने से भारती का ताज कौन रोकेगा। वाह 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 वाह, गिरने से भारती का ताज कौन रोकेगा। और लास्ट छंद देता हूं और अपना स्थान लेता हूं जी, स्वागत भैया। स्वामी जी, ये अंतिम छंद आपके चरणों में निवेदित करता हूं कि रख दिया पार्थ ने गांडीव यदि हाथ से तो, क्या बात, रख दिया पार्थ ने गांडीव यदि हाथ से तो, कौरवों के सैनिकों के बाज कौन रोकेगा। रख दिया पार्थ ने गांडीव यदि हाथ से तो, कौरवों के सैनिकों के बाज कौन रोकेगा। और भीम की गदा ने यदि फाड़े नहीं अरिवक्ष, भीम की गदा ने यदि फाड़े नहीं अरिवक्ष, धर्म पर अधर्म का राज कौन रोकेगा। भीम की गदा ने यदि फाड़े नहीं अरिवक्ष, धर्म पर अधर्म का राज कौन रोकेगा। और बीच सभा में यदि पंचाली नग्न होती रही, बीच सभा में यदि पंचाली नग्न होती रही, वहसी दुशासन के काज कौन रोकेगा। बीच सभा में यदि पंचाली नग्न होती रही, वहसी दुशासन के काज कौन रोकेगा। और चीर को बचाने यदि श्याम नहीं आएंगे तो, चीर को बचाने यदि श्याम नहीं आएंगे तो, द्रुपद सुता की फिर लाश कौन रोकेगा। जकिन जकिन। वाँ।